गुड मॉर्निंग 10th क्लास. इट्स रियली हॉट nowadays. बहुत गर्मी होने लगी है. प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव मोर एंड मोर वाटर, कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड. ओके, इट इज वेरी नेसेसरी टू कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड दीस डेज. अगर आप पानी अच्छे से नहीं पियोगे तो आपके अंदर फिटीग रहेगा, हमेशा थकान सी महसूस होगी आपको. एंड यू विल बी लेजी फॉर द होल ऑफ द डे, क्योंकि एनर्जी चाहिए, वाटर चाहिए इस मौसम में, इतनी गर्मी में. ड्रिंक सच अमाउंट ऑफ वाटर दैट यू स्टे हाइड्रेटेड. ओके, एंड ईट सम वाटरी फ्रूट्स, फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन, मस्क मेलन और लेमन और टमाटो. ईट समथिंग, कुकुम्बर, यू हैव टू ईट देम. ओके, प्लीज पे अटेंशन टू योर हेल्थ, बिकॉज इन दिस पैंडमिक टाइम वी ऑल नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, यू ऑल नो दैट. Okay, so I hope that you will pay attention to your health. Now, क्या start कर रहा हुआ था हमने परसों से क्लास में, कल किया था स्टार्ट हमने चैप्टर नंबर सेकेंड इकोनॉमिक्स में. वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर सेकेंड इन अवर इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक. फर्स्ट क्या था, डेवलपमेंट. वी कंप्लीटेड द चैप्टर. क्वेश्चन आंसर सबने लिख के नहीं दिए हैं, कल बताया था, आज तक भी मुझे नहीं मिले. ठीक है, नाउ टुडे आई एम गोइंग टू कॉल ईच वन ऑफ यू फॉर योर वर्क. 10th क्लास में भी आप लोग इतनी मेहनत करा रहे हो. छोटे बच्चे हैं ना, वो बिना बोले काम कर देते हैं. आप लोग क्यों सिंसियर नहीं हो अपने फ्यूचर के लिए, आई डोंट गेट इट. ओके, प्लीज पे अटेंशन टू योर स्टडीज. नाउ पॉलिटिकल साइंस पे ब्रेक है थोड़े दिन के लिए. वी आर गोइंग ऑन विद द इकोनॉमिक्स. डेवलपमेंट कर चुके हैं. सेकेंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. सेक्टर्स क्या बताए थे मैंने, देर आर मेनी एक्टिविटीज दैट आर रनिंग इन द कंट्री, एंड व्हेन दीज एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इन ग्रुप्स दे आर कॉल्ड एज सेक्टर्स. जब जितनी भी एक्टिविटीज हमारे देश में हो रही हैं, उनको हम कैटेगरी में, ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं. दीज आर नोन एज सेक्टर्स. डिफरेंट सेक्टर्स को पढ़ना जरूरी है ताकि हम कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंट्री की ग्रोथ को समझ पाए. ओके, so when we were studying I told you that in any country's economic state or in India there are three sectors mainly, primary, secondary and tertiary. What was the primary sector? When we are getting the products directly from the nature, or when the products we are using are natural resources, we humans are not involved in its production, we get it directly from the nature. जो चीजें हमें हमारे एनवायरमेंट से डायरेक्टली मिल रही हैं बाय नेचर, वो होती हैं प्राइमरी सोर्सेज. ओके, प्राइमरी सेक्टर. एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर वॉज इट सेकेंड नेम. सेकेंडरी सेक्टर क्या था, जब नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें प्राइमरी सेक्टर से मिले उनको हम अदर फॉर्म्स में चेंज कर दें बाय मीन्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो हो जाता है सेकेंडरी सेक्टर. किसी भी नेचुरल रिसोर्स को जब आप चेंज कर रहे हो अदर फॉर्म में, नेचुरल रिसोर्स था कॉटन, उसका थ्रेड बना रहे हो, कपड़ा बना रहे हो, कॉटन क्लोथ बना रहे हो, वो कहाँ आ गया, सेकेंडरी सेक्टर, बिकॉज द नेचुरल रिसोर्स हैज बीन चेंज इनटू अनदर फॉर्म बाय द मींस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. सो दैट वाज सेकेंडरी सेक्टर. इसका दूसरा नाम क्या था, इंडस्ट्रियल सेक्टर. टर्शियरी सेक्टर क्या था, व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर is transported to the various sections of society or the services are given to the people, that is service sector, that is tertiary sector. Clear? हमने एक चीज और देखी थी कि जब हम वैल्यू निकाल रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि कितनी ज्यादा रेट ऑफ प्रोडक्शन है, कौन सा सेक्टर हमारे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कितना रोल प्ले करता है, ये पता होना जरूरी है. तो पता होने के लिए हमने क्या बोला था कि वी कैन नॉट काउंट द आइटम्स, प्रोडक्ट्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं इतना इजीली. सो व्हाट वी डिड, वी वांटेड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुड्स, कि जितना सामान प्रोड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू क्या है वो पता लगाना. वैल्यू पता लगाने के लिए हमने ईच सेक्टर की वैल्यू निकाली. इसमें हमने एक चीज ध्यान से देखी कि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नहीं लेनी है. अगर 8 रुपए किलो गेहूं खरीदे थे, वो 10 रुपए प्रति किलो में एक बिस्किट वाली फैक्ट्री को दे दिए और उन्होंने फिर उससे 60 रुपए के 4 पैकेट बिस्किट बना दिए, ठीक है, यानी 15 पर पैकेट. तो व्हाट डज दिस मीन, क्या इसका मतलब ये है कि हमें उन 8 रुपए को भी काउंट करना है और 60 को भी काउंट करना है? नो, वी जस्ट हैव टू काउंट द 60, द फाइनल वैल्यू.
इंटरमीडिएट वैल्यूज को काउंट नहीं करना है, क्योंकि वो जो 60 रुपीस का बिस्किट का पैकेट्स बने हैं उसमें उस वीट की वैल्यू है। कोई भी बेकरी वाला बिस्किट बना रहा है तो अपने गेहूं के पैसे तो वसूल करेगा ना। सो वी डोंट हैव टू काउंट द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स व्हाइल कैलकुलेटिंग द जीडीपी। अब तीनों सेक्टर्स की हमने बात की थी कि वैल्यू निकल जाएगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों सेक्टर्स की वैल्यू आ गई। इनको हम जब टोटल करते हैं तो क्या आ रहा था देश का जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना किसकी जिम्मेदारी है? सेंट्रल मिनिस्ट्री की। ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था। आई होप द क्विक रिवीजन इज क्लियर टू यू। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। व्हेन वी आर लुकिंग एट द क्लोज लुक ऑफ द सेक्टर्स, कि डिफरेंट सेक्टर्स का क्या रोल है, क्या कर रहे हैं डिफरेंट सेक्टर्स। अब देखें ये आप एक ग्राफ देख रहे हो जिसमें हम देख रहे हैं कि ईयर जो है इनका रुपीज इन करोड़ में, कितना प्रोडक्शन हुआ। अगर आप 1973 और 74 की बात करोगे सो एवरी सेक्टर वॉज नियर बाय इक्वल इन प्रोडक्शन। जितना प्राइमरी सेक्टर प्रोड्यूस कर रहा था उतना ही सेकेंडरी और उतना ही टर्शरी। इतनी ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ नहीं थी 1973 में, आप तो पैदा भी नहीं हुए थे, तो भी मैम हमें कैसे पता, ठीक है। सो एट दैट टाइम ऑलमोस्ट ऑल द थ्री सेक्टर्स वर एट इक्वल और एट पार लेवल वेयर दे वर नॉट हैविंग मच डिफरेंस इन प्रोडक्शन। तीनों इक्वल ही प्रोडक्शन कर रहे थे। अब बात करें हम 2013 एंड 14 की, ये ग्राफ आपकी बुक में दिया हुआ है। अब आप देखोगे कि एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ा, बिकॉज खेत तो तब भी यूज हो ही रहे थे बट बढ़ गया थोड़ा। डिफरेंट हमने टेक्नोलॉजी यूज की, इरिगेशन के बेटर मेथड्स यूज किए, पेस्टिसाइड्स यूज किए, मैन्योर यूज किया, सो अ लिटिल बिट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज। लेकिन सेकेंडरी सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। कैसे? क्योंकि इंडस्ट्रीज जितनी पहले नहीं थी 73 एंड 74 के टाइम पे, उतने इंडस्ट्रियल प्लांट्स, उतनी फैक्ट्रीज नहीं थी। लेकिन 2013 और 14 के फेज तक आते आते इन दीज 40-50 इयर्स व्हाट हैज हैपेंड, द मेनी ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज हैव बीन प्लांटेड, नई इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो गई। अब आप गुड़गांव का ही एग्जाम्पल लो, तो क्या 73-74 में ही इतना क्राउडेड, इतना डेवलप्ड गुड़गांव था? नहीं, लोगों की जमीन ले लेके डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज व्हाट दे हैव सेट अप, दे हैव सेट अप देयर ऑफिसेस, देयर फैक्ट्रीज, देयर इंडस्ट्रियल यूनिट्स, यही तो हो रहा है। तो अब हमने क्या पढ़ा था, सेकेंडरी सेक्टर कौन सा सेक्टर है जिसमें इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज बढ़ेंगी तो प्रोडक्शन बढ़ गया। सर्विस सेक्टर का प्रोडक्शन देखो आप, ये जो ब्लू डॉट से रिप्रेजेंट किया है मैंने, दिस इज सर्विस सेक्टर, दैट इज टर्शरी सेक्टर, इसका प्रोडक्शन कितना ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। ये हम लोग डिस्कस करेंगे अभी क्यों बढ़ा है, बट आप ये देखो कि 73 और 74 में तीनों ही सेक्टर्स से प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं था, बट इन 2013 एंड 14 द प्रोडक्शन फ्रॉम ऑल द थ्री सेक्टर्स हैव इंक्रीज, बट मोस्टली बाय द सर्विस सेक्टर। सबसे ज्यादा किसका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है? टर्शरी सेक्टर, दैट इज सर्विस सेक्टर। ये हम रुपीज में देख रहे थे, मॉनेटरी वैल्यू। जीडीपी के परसेंटेज में देखो कि जो हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए जो हम जीडीपी निकालते हैं, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। अब आप ये बताओ कि इसमें कितना किस सेक्टर का रोल है। 73-74 में आप लगभग 40% जीडीपी कहां से आती थी? एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, ठीक है। 10% 40-50 ग्राम 10% वॉज फ्रॉम इंडस्ट्रियल सेक्टर, 50-100 50% वॉज फ्रॉम सर्विस सेक्टर। आई नो 2013-14 एग्रीकल्चर की बहुत कम हो गई, यहाँ 40% थी, 10% पे आ गए जीडीपी के शेयर में, ओके। एंड देन 32% ये इंक्रीज हो गया, क्योंकि यहाँ पे कितना था इंडस्ट्रियल सेक्टर, ओनली 10%, यहाँ हो गया 32% इंक्रीज, 22% इंक्रीज, तो ये इंक्रीज हो गया। बट द सर्विस सेक्टर हैज इंक्रीज सो मच। अब इसके पीछे क्या रीजन है समझने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है
कि एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर कम हो गया, इसका मतलब इनकी जॉब्स बढ़ गई होंगी, इनकी सर्विसेज बढ़ गई होंगी, तो इसको कम कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं था। ये एक फैक्टर छोटा सा हो सकता है, बट रियल रीजन क्या था कि फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री रिलेटेड ज्यादा लगी, तो सेकेंडरी सेक्टर को तो इसलिए ज्यादा मिल गया रोल। पॉपुलेशन के पास पैसा आ रहा था, अब जिनके पास जब पैसा आ जाता है तो वो ज्यादा चीजें खरीदते हैं, ठीक है, ज्यादा अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाते हो आप, क्लब्स में पार्टी करते हो, अच्छे सैलून में सर्विसेज लेते हो, वो क्या है, सर्विस सेक्टर। जब लोगों के पास पैसा आता गया तो सर्विस सेक्टर का प्रोडक्शन इंक्रीज होता गया। किसी भी देश में बेसिक सर्विसेज तो चाहिए होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे टीचिंग हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, पोस्ट ऑफिसेज हो, डिफेंस हो, आर्मी हो, ये सब बेसिक सर्विसेज हैं। और हमने बात की थी कि सर्विसेज किस कैटेगरी में आती है, टर्शरी सेक्टर में। सो व्हाट वी हैव लर्न्ड दैट द बेसिक सर्विसेज प्ले अ मेजर रोल इन द शेयर ऑफ जीडीपी। जीडीपी सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है, इसका बस ये मतलब है कि सबसे ज्यादा कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में गुड्स कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, सर्विस सेक्टर में, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्कूल खुल रहे हैं, पहले इतने स्कूल्स नहीं थे, स्कूल खुल रहे हैं तो टीचिंग सर्विस ज्यादा मिल रही है, ज्यादा हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, इसका मतलब ज्यादा हेल्थ सर्विसेज मिल रही हैं, ज्यादा सैलॉन्स खुल गए हैं, पहले क्या इतने पार्लर्स और सैलॉन होते होंगे 1973-74 में, नहीं, बैंकिंग की सर्विसेज ज्यादा इंक्रीज होगी। तो जितनी ज्यादा सर्विसेज इंक्रीज होंगी, जितना लोगों के पास पैसा आएगा, सर्विस सेक्टर ग्रो करेगा। दूसरी बात, अगर ये दोनों सेक्टर भी ग्रो करेंगे, मान लो एग्रीकल्चर भी ग्रो हुआ है और सेकेंडरी सेक्टर भी ग्रो हुआ है, तो जो इनका प्रोड्यूस्ड मटेरियल है, चाहे कोई नेचुरल रिसोर्सेज मिले या फिर सेकेंडरी में हमने फैक्ट्री से कुछ बनाया, उनको भी ट्रांसपोर्ट तो करना पड़ेगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और वो कहाँ इंक्लूड हो जाएगा, सर्विस सेक्टर। ट्रांसपोर्टेशन किस में इंक्लूड हो रही थी, सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। तो इनका प्रोडक्शन भी अगर इंक्रीज होगा, दैट विल ऑल्सो रिजल्ट इन द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सर्विस सेक्टर। सो अगर पूछा जाए इन टर्म्स ऑफ जीडीपी विच इज द हाइएस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया, इट इज द टर्शरी सेक्टर, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाए कि किसमें, कौन से सेक्टर में प्रोडक्शन पावर सबसे ज्यादा है, इट इज द मोस्ट इन द टर्शरी सेक्टर और द सर्विस सेक्टर। रीजन हमने देख लिए क्यों, क्योंकि बेसिक सर्विसेज किसी भी देश में चाहिए, विद द इंक्रीज विद द अपकमिंग टाइम्स ये सर्विसेज बहुत ज्यादा डेवलप हुई, लोगों के पास ज्यादा अर्निंग्स आई बिकॉज दे बिकेम स्किल्ड, तो ये सारे किसमें रिजल्ट हुई, इंक्रीज इन द सर्विस सेक्टर, ठीक है। आपको समझ में आया ना सर्विस सेक्टर क्यों इंक्रीज हुआ। दूसरी चीज आपको जो समझने की थी वो ये थी कि प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर में डिक्रीज हुई है इन परसेंटेज, दिस इज बिकॉज पीपल हैव शिफ्टेड मोर टू सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, लोग वहां ज्यादा मूव हो गए, तो ये वाला सेक्टर कम हो गया। इसमें थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है बिकॉज इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड फैक्ट्रीज हैव मोर बीन सेट अप, ठीक है। तो ये दोनों ग्राफ क्लियर है आप लोगों को। अब तीसरा ग्राफ देखेंगे हम एम्प्लॉयमेंट का। परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स,
Now, look at this graph. Employment देखनी है, कितने लोग किस सेक्टर में employed है. अब आप कहोगे कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन सर्विस सेक्टर से हो रहा है तो सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड भी सर्विस सेक्टर में होंगे. नो, ये माइंड व्यू नहीं रखना है आपको. इफ यू विल लुक एट द ग्राफ एंड दिस इज द कंडीशन फॉर डिफरेंट ईयर्स. नाउ लुक एट दिस ग्राफ वेरी सिंसियरली. 71% people were employed in agriculture in these years. In early years, when there was no factory setup, when there was no industrial setup, people were not very close to education. जब लोग अगर पढ़ेंगे नहीं तो उन्हें स्किल्ड कोई काम भी नहीं मिल सकता है. तो लोग क्या कर रहे थे? Agriculture. Fishing कर रहे हो, forestry कर रहे हो, agriculture कर रहे हो. ठीक है, these were the primary activities. So, इस टाइम में 71% लोग एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड थे. वो एग्रीकल्चर के थ्रू अपनी अर्निंग कर रहे थे. 11% वर एम्प्लॉयड इन सेकेंडरी सेक्टर. जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे या जो थोड़े बहुत ज्यादा मेहनती थे, जो फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयड थे, उनको कहाँ जॉब मिल गई? सेकेंडरी सेक्टर में. सो 11% वर एम्प्लॉयड इन सेकेंडरी सेक्टर. 18% वर एम्प्लॉयड इन सर्विसेज सेक्टर. ये सर्विसेज कोई भी हो सकते हैं, छोटे दुकानदार भी हो सकते हैं, दे कैन बी स्मॉल शॉपकीपर्स. ये वो ट्रांसपोर्ट करने वाले पीपल भी हो सकते हैं जो ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं. जितना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ से, जितने ज्यादा लोग यहाँ पे एम्प्लॉयड हैं तो ट्रांसपोर्टेशन भी होगी. ये कुछ टीचर्स भी हो सकते हैं, कुछ बार्बर्स भी हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर्स भी हो सकते हैं. सो 71% पीपल वर एम्प्लॉयड इन प्राइमरी सेक्टर, 11% एम्प्लॉयड इन सेकेंडरी सेक्टर, 18% एम्प्लॉयड इन टर्शियरी सेक्टर. नाउ सी द कंडीशन ऑफ 2017 एंड 18. 44% पीपल एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में लोगों का इन्वॉल्वमेंट कम हो गया. क्यों? लोगों को एजुकेशन मिली, लोग स्किल्ड बने तो उन्होंने बेटर जॉब्स ले ली, सर्विस सेक्टर में चले गए. जब जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज लगी तो उन्हें लेबर्स की जरूरत थी, तो उन्होंने लेबर्स को ले लिया, तो सेकेंडरी में चले गए. सेकेंडरी और टर्शरी में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो गई और प्राइमरी में कम हो गई. क्यों? क्योंकि लोग अब इतने ज्यादा डिपेंडेंट नहीं थे एग्रीकल्चर से. व्हेन दे सॉट विद देयर एजुकेशन सिस्टम, व्हेन दे गॉट एजुकेशन, व्हेन दे गॉट स्किल्ड और व्हेन दे गॉट अपॉर्चुनिटीज टू वर्क समवेयर एल्स, दे शिफ्टेड देयर. लोग एग्रीकल्चर से कहाँ शिफ्ट हो गए? सेकेंडरी सेक्टर्स में, प्राइमरी को छोड़ के. क्यों? क्योंकि डिफरेंट इंडस्ट्रीज आ गई थी, फैक्ट्रीज आ गई थी, वहां काम कर सकते थे. सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व हो गए थे विद द ग्रोथ इन द कंट्री. अब आप ये कहोगे कि इतने ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है, प्रोडक्शन तो वहां से सबसे ज्यादा हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे कैसे? ठीक है, तो आप ये देखोगे कि प्रोडक्शन सेकेंडरी सेक्टर में ऑलमोस्ट 9 times इंक्रीज हुआ था. प्रोडक्शन सेकेंडरी सेक्टर में ऑलमोस्ट 9 times इंक्रीज हुआ था, बट एम्प्लॉयमेंट रेट इतना इंक्रीज नहीं हुआ, वो लगभग 3 times ही इंक्रीज हुआ है. ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको ज्यादा मैन पावर की जरूरत नहीं है. फैक्ट्री बन गई, इतने ही लोग चाहिए जितने उन फैक्ट्री की यूनिट्स को, पार्ट्स को चला सके. ठीक है, बाकी काम तो मशीनरी कर रही है ना, सो मैन पावर इज नॉट सो मच रिक्वायर्ड. सो वेदर द प्रोडक्शन हैज इंक्रीज 9 times बट एम्प्लॉयमेंट उतनी इंक्रीज नहीं होगी. अगर आपको स्टेटमेंट मिल जाएगी एनटीएससी क्वेश्चन में दैट द प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन द एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ एनी सेक्टर, नो, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इफ द प्रोडक्शन इन एनी सेक्टर इज इंक्रीजिंग देन द एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो इंक्रीज. दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ. इट विल इंक्रीज बट नॉट अप टू दैट एक्सटेंट. ठीक है, जरूरी नहीं है कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ गया उतनी ही ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, लोगों को जॉब्स मिल जाएंगे. ऐसे ही आप देखो टर्शरी सेक्टर में भी 14 times प्रोडक्शन बढ़ गया था. सी द प्रोडक्शन डिफरेंस, 14 times इट इंक्रीज,
बट एम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे भी 5 times ही इंक्रीज हुई, ये भी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई। सो एम्प्लॉयमेंट अभी भी एग्रीकल्चर पे बहुत डिपेंडेंट है, लगभग जीडीपी एग्रीकल्चर से जो आ रही है वो 1/6 ही है। हमारी एग्रीकल्चर हमारी जीडीपी में ज्यादा रोल प्ले नहीं करती है, ओनली 1/6% ऑफ द जीडीपी इज ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चर, बट लोग घुसे हुए हैं इसमें, मेनी पीपल आर एम्प्लॉयड। आप एक एग्जाम्पल लक्ष्मी का देखोगे, अगर आप अपने स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर 9th में पढ़ी होगी, उनके पास 2 hectare का लैंड था, उसमें 5 members फैमिली के लगे हुए हैं। इतनी सी जमीन में 5 members की जरूरत है क्या? नहीं, बट कहीं और काम करने को नहीं है, सो उसी में एम्प्लॉयड है। ऐसी एम्प्लॉयमेंट जहां पे किसी ह्यूमन का पूरा पोटेंशियल यूज नहीं हो रहा है, जैसे मान लो 1 किला जमीन है, अपने हरियाणवी लैंग्वेज में अगर हम देखें 1 किला जमीन है हमारे पास, और उसमें आप फैमिली के 7-8 लोग लगे हुए हो, जरूरत है क्या आप लोगों की? नहीं है, बट क्योंकि और कोई जॉब नहीं है तो आप वहीं पे इंगेज हो। दिस इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट, व्हेन द पर्सन्स पोटेंशियल इज नॉट फुली यूज्ड और इज नॉट कम्प्लीटली यूज्ड। आप उस पोटेंशियल को कहीं और भी यूज कर सकते हो, वो यूज नहीं हो रहा है, उसको बोला जाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। और क्योंकि अगर आप उस खेत में लगे हुए तो लोग कहेंगे कि खेती तो करता है, अगर वो भी नहीं करोगे तो क्या बोलेंगे? बेरोजगार है, कोई एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं। तो उस अनएम्प्लॉयमेंट को छुपाने के लिए जब आप अंडर एम्प्लॉयमेंट में जाते हो, उसको छुपाने के लिए तो लगे हुए हो आप इतने एग्रीकल्चर में, पूरा फैमिली लगी हुई है, नहीं हम बेरोजगार नहीं, हम तो खेती करते हैं, क्योंकि आप अपनी एम्प्लॉयमेंट को हाइड कर रहे हो, बिकॉज यू डोंट वॉन्ट योर सेल्फ टू बी फेल्ड बाय दैट यू आर अनएम्प्लॉयड। जब आप उसको छुपा रहे हो अंडर एम्प्लॉयड होके, इस कंडीशन को बोला जाता है डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, कि दिस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड वेल, ये नहीं है सही, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन लोग अपनी नाकामी को छुपाने के लिए घुसे हुए हैं उसमें, इतने लोगों की वहां जरूरत नहीं है। तो अगर कोई भी एग्जाम्पल एनटीएससी आपको दे कि एक स्टेटमेंट दे दी उन्होंने कि एक बार्बर की शॉप है, उसमें ऑलमोस्ट 10 people कम इन अ मंथ, लेकिन घर के 4 barbers उसी में लगे हुए हैं, इज दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट? यस, जब लोग इंसान जितना काम कर सकते हैं उनका पूरा पोटेंशियल यूज नहीं हो पा रहा है, दिस इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट। व्हाई दिस इज कॉल्ड डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट? डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट बिकॉज द पीपल आर गेटिंग एंगेज जस्ट टू हाइड देयर अनएम्प्लॉयमेंट, इसलिए इसको बोला जाता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यहाँ तक की चीजें क्लियर है, ग्राफ्स क्लियर है, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्लियर है। आज आपको नोट्स दूंगी कॉपी करने के लिए, बट वो बाद में मिलेंगे जब आप सब लोग ये वीडियोस देख लोगे। ओके, डू वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली, इकोनॉमिक्स समझने की चीज है, रटने की चीज नहीं है। ओके, हैव अ वेरी गुड डे।